नमस्कार भाई दोस्तों, एक न्यूज चल रही है, मतलब दोपहर से चल रही है वो न्यूज, लगातार चल रही है। अमृतपाल सिंह की जाएगी सांसदी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में दी गई सांसदी को चुनौती, जानकारी छिपाने का है आरोप, जानकारी छिपाने का आरोप। कमाल की बात नहीं है? सबसे पहले तो न्यूज ये चलाते हैं कि अमृतपाल सिंह की सांसदी जाएगी। क्या एक ही सांसद बने हैं क्या इस देश के अंदर? और कोई सांसद नहीं है क्या? कोई एमपी नहीं बने इस देश के अंदर? एक एमपी अमृतपाल सिंह ही बना है, जिसकी छोटी से छोटी बात को लेकर मतलब इतना बड़ा हवा बना दिया जाता है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। अब आप सुनो, सही बात थे रे जो आपको बताते थे ना, तीर ना तीरा ना तलवारा तो सिख कौम डरे गद्दारा तो, सानू दुश्मन दी कोई लोड नहीं, सानू खतरा है अपने यारा तो। ये जो यार बनकर गद्दारी करते हैं ना, ये देखो पंजाब के खडूर साहिब सीट से चुनाव जीत कर सांसद बने अमृतपाल सिंह और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के सांसद बनने को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। खडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले विक्रमजीत सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अमृतपाल सिंह पर जानकारी छुपाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका पर हाई कोर्ट जल्द ही सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल सुनवाई होगी, हमारे को भी पता हो सकता है कल ही सुनवाई हो जाए। वो बोल रहे हैं कि इसने अपने खाते में 1100 रुपये दिखाए थे, है ना? कमाल की बात भाई, अमृतपाल सिंह ने अपने खाते में 1100 दिखाए, जितने खाते में होंगे उतने ही दिखाए, और 11000 करोड़ कहां से दिखा दे अगर खाते में 1100 रुपये हैं तो? क्या उस टाइम पर जांच नहीं होती? क्या जांच नहीं होती? जांच हुई या नहीं? कहां से खर्चा किया इतना? सब लोगों ने इसका प्रचार किया, इसके पास इतना खर्चा आया कहां? संगत ने किया खर्चा, अब ले संगत से हिसाब किताब। संगत ने खर्चा किया था, उस संगत से हिसाब किताब लेगा? अगर आपको ना पता होता ये विक्रमजीत सिंह वही है जिसने पीछे भी गड़बड़ेशन करवाई थी, ना पता होता एक नाम के दो वो खड़े कर दिए थे, दो अमृतपाल सिंह खड़े कर दिए थे, अगर ना पता हो तो आपको। विक्रमजीत सिंह ने याचिका में आरोप लगाए हैं कि खडूर साहिब से चुनाव लड़ने अमृतपाल सिंह ने अपने नामांकन पत्र में कई अहम जानकारियां छुपाई हैं। ये बात डेट ऑफ बर्थ 2 बता रखी है तुम्हारे पापा की तरह? डेट ऑफ बर्थ 2 तो नहीं बताई, पत्नी ये तो नहीं बताई कि भाई मैं शादीशुदा नहीं हूं, मतलब ने आपको कुंवारा तो नहीं दिखाया जैसे तुम्हारे पापा ने दिखाया था? अपने आपको कुंवारा दिखाया था ना, वो कुंवारा तो नहीं दिखाया ना, बिल्कुल शादीशुदा दिखाया और सब कुछ दिखाया। चुनाव के दौरान उनके समर्थन में रोजाना कई मीटिंगें होती थी और वाहनों और चुनावी सामग्री का इस्तेमाल होता था, इसका भी कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। जो खर्च हुआ वह कहां से किया गया ये भी नहीं बताया गया। अमृतपाल सिंह को मिली फंडिंग के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। उनके चुनाव प्रचार में धार्मिक स्थलों का भी प्रचार में इस्तेमाल किया गया बिना इजाजत लिए, सोशल मीडिया पर उनकी प्रमोशन की गई, ऐसे कई आरोप लगे। उनको चुनाव रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की गई है। चुनाव रद्द कर दो फिर खड़ा हो जाएगा, वो फिर जीत जाएगा, फिर क्या करोगे? ये मतलब कि नौटंकी करने से लोग बाज नहीं आते क्या? बाज नहीं आते क्या नौटंकी? लोगों ने अपने आप से प्रचार किया था उसका, किसी ने बोला थोड़ी था कि उसका प्रचार करो, उसका प्रचार संगत ने किया, संगत ने उसको बोला भी तू चुनाव में खड़ा हो जा। अब सबसे कमाल का जो ट्विस्ट इसमें है ना, वो ट्विस्ट आपको बताते हैं, क्योंकि अमृतपाल सिंह ने क्या किया, अमृतपाल सिंह ने पिटीशन दायर कर दी। कमाल की बात यहाँ पे है, असम की डिब्रूगढ़ जिला मोहम्मद खडूर साहिब सीट से सिखा सांसद अमृतपाल सिंह ने NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में उनकी हिरासत अवधि बढ़ाने के पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती दी है। यहां पे असली ट्विस्ट, हाई कोर्ट में याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की संभावना है। अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र में 2024 का लोकसभा चुनाव जीता है। उन्होंने खडूर साहिब सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1,97,000 वोटों से हराया, 1,97,120 वोटों से। अब अमृतपाल सिंह ने जो उसके ऊपर नशे लगाया उसको चुनौती दे दी। जैसे उसको चुनौती देता पेट में दर्द होता है इन सरकारों को। ये सरकार अपने ना ये चिलमबाज चिलगोजे जिनको चिंटू मिंटू बोलते हैं इनको निकाल के लेके आते हैं। तू खुद भी निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा था, तेरे पास इतना पैसा कहां से आया? तेरी तो संगत ने मदद नहीं की थी विक्रमजीत सिंह का सवाल करो, भाई तू कैसे चुनाव लड़ रहा है, तेरे पास इतना कहां से आया? अगर यही बात है तो चंद्रशेखर रावण तो बोल रहा था मेरे को चंदा दो, मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, और चंद्रशेखर रावण हेलीकॉप्टरों में रैलियां कर रहा था। किसी ने पूछने की जाए मत उठाई क्या कि भाई चंद्रशेखर रावण तेरे पास इतना पैसा कैसे आया, तू हेलीकॉप्टरों में चुनाव प्रचार कर रहा? किसी ने पूछा नहीं? पूछा ना, कोई पूछ सकता? पूछेगा भी नहीं कोई, क्योंकि सांसद अमृतपाल बनया है, बस सिर्फ अमृतपाल सिंह सांसद बनया है। कमाल की बात है। दूसरी तरफ जो पंजाब के न्यूज चैनल क्या ही कही है आप लोगों को, आप बड़े महान लोग हो। अभी तक तो ना ये जनता मतलब के गोदी मीडिया से परेशान थी, लेकिन हो सकता आप लोगों से भी परेशान होनी शुरू हो जाए, आप लोगों से परेशान होनी शुरू हो जाएगी। ये कुछ एक पंजाब के चिंटू मिंटू टाइप चैनल है, ये पता नहीं कौन सी दुनिया का लॉजिक लेके आते हैं। ये बोल रहे हैं भाई केरल के एक MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, गुरुपत सिंह पन्नू ने अमेरिका में बैठे बैठे धमकी दी है, और वो बोल रहा है मेरे पास फोन रिकॉर्डिंग। कब की है फोन रिकॉर्डिंग, थोड़ा ये भी सुनना कब की है। और उसने जगदीप धनखड़ साहब जो अपने उपराष्ट्रपति है उनको ये बात नोट करवाई है जी मेरे को धमकी दे रहा है, उनके ऊपर गौर किया जाए।
मतलब कमाल की बात है ना, कमाल की बात। अभी थोड़े दिन पहले ही तो उनका जो SFGI जो संगठन है उसके ऊपर बैन लगाया है, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। फिर वो धमकी दे रहा है, वो फोन नंबर ट्रेस करा और उसकी रिपोर्ट लिखा दो, सीधी बात है। किस फोन नंबर से आई थी, फोन नंबर तो हो सकता ना ट्रेस, वो फोन नंबर नहीं देंगे। ऐसे ही तो एक वो अरोड़ा परोड़ा क्या है गंजा टकला सा, वो बोल रहा मेरे को मारने के लिए 1 करोड़ की सुफारी दी गई, सब सुफारी दी गई है पाकिस्तान से 1 करोड़ की। तेरी कीमत तो मेरे को लगता नहीं 1.5 रुपए की भी होगी, तेरे को 1 करोड़ रुपए कौन बर्बाद करेगा तेरे ऊपर। लेकिन कमाल की बात है, इनका चलता है, इनका चल जाता है। ये देखो क्या मतलब कि कमाल का लॉजिक, ये ऐसा लॉजिक हमने नहीं देखा कहीं पर भी। दिल्ली पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है CPIM दे संसद मैंबर शिवदासन ने सिख फॉर जस्टिस वालों मिली धमकी नूं लैके राज्यसभा दे चेयरमैन जगदीप धनखड़ नूं पत्र लिखा है, इस च उसने दस्सिया कि पन्नू दे जथेबंदी वालों उस नूं धमकियां दित्तियां गईआं ने। नंबर एक बात, शिवदासन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी है, केरला का रहने वाला है, उसको बोला है गुरपंच सिंह पन्नू के संगठन ने फोन करके कि वो लाल किले को और इसको उड़ा देंगे, राज्य संसद भवन को उड़ा देंगे। उसको बताया केरला वाले को, और उस केरला वाले को समझ में भी आ गया भाई ये तो इनको उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। कमाल की बात नहीं है, आप इनका लॉजिक कभी पकड़ नहीं पाओगे, गारंटी इस चीज की आप इनका कभी लॉजिक नहीं पकड़ सकते, इस चीज की आपको लिखित में गारंटी दे सकते हैं। कहां वो केरला का मंत्री बताता तो किसी पंजाब वाले को बताता, या फिर डायरेक्ट उधर फोन करते भाई। लाल किला मतलब कोई छोटी सी चीज है, लाल किला और संसद भवन हमारा बिल्कुल छोटी सी चीज है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था पता कितनी बड़ी है। या गुरपंच सिंह पन्नू अमेरिका पर राज करता है, पूरे अमेरिका पर राज करता है, क्या वो इनको उड़ा देगा और लोग देखते रहेंगे। ये लॉजिक ऐसे लॉजिक लेके कहां से आते हैं, ये कौन सी चक्की का आटा खाते हैं भाई, अनाज तो ये खाते नहीं, इतना तो हमारे को कन्फर्म हो गया, ये अनाज तो खाते नहीं है। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ भंडी प्रचार करना, जितना हो सकता है उतना बदनाम कर दो सिखों को, जितना हो सकता है उतना बदनाम कर दो। कमाल की बात है कि लोग इनकी फिर सुनते भी हैं, फिर इनकी सुनते भी हैं। कहां केरला के MP को फोन कर रहा है, पंजाब में दुनिया भर के MP है, उनको कर देता, पंजाब के मुख्यमंत्री को फोन करके बताता। तेरे को फोन करने की जरूरत क्या थी, पहला सवाल तो उससे यही किया जाए, तेरे पास फोन किया क्यों, उस फोन की रिकॉर्डिंग दिखा, और उस जो फोन किया है तो नंबर भी आया होगा, वो नंबर दे दे, सार्वजनिक करो उस नंबर को, सार्वजनिक करो ताकि पता लग जाए, पता तो लग जाए लोगों को। ये कमाल के लॉजिक लेके बैठे हैं। उधर अमृतपाल सिंह की अगले हफ्ते सुनवाई है, तो यहां पे ये विक्रमजीत सिंह है, ये केस करके खड़ा हो गया, जिसने तो जी ये छुपा दिया, क्या छुपा दिया, जांच नहीं होती क्या, अबे तूने इलेक्शन लड़ा है, ये मतलब खोतों वाले काम करने वाले भी इधर ही पंजाब में रहते हैं, ये ऐसे ऐसे खोते एक दो नहीं बहुत मिलेंगे, खोते ये टकले पकले ये सब खोते हैं, ये कहीं आप इनको ही समझ रही है, इंसानों की श्रेणी में नहीं आते, खोतों की श्रेणी में आते हैं। अब क्या बताएं इनको, क्या कहें क्या ना कहें, लेकिन इनका चल रहा है, चल जाता है। हो सकता है थोड़े दिन में इसको सुरक्षा भी मिल जाए, विक्रमजीत सिंह को सुरक्षा भी मिल जाएगी, क्योंकि लेड़े का बहुत अच्छा तरीका सुरक्षा, पंजाब के अंदर सुरक्षा ले लो जी, मेरे को तो सिखों से खतरा है। कमाल की बात है, कहीं तो यार थोड़ा बहुत तो मतलब अपने आप को कर दो, इंसान बना लो तुम। बाबा नानक समझाते चले गए, 10 गुरुओं ने समझाया, गुरु ग्रंथ साहिब के नजदीक लग जाओ पता लग जाएगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अपनी राय रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक भोजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।